रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ बेनामिका। देखिए, अपराधियों की बात करें पटना में तो ये लोग पूरी तरीके से बेखौफ हो गए हैं और बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है। लगातार दूसरे दिन व्यवसायी की हत्या हुई है। चौक थाना क्षेत्र के चंडोरिया ढाल कच्ची घाट में गुरुवार की दोपहर बदमाशों ने 50 वर्षीय शीशा कारोबारी राजीव जायसवाल उर्फ राजू के रौनक ट्रेडर्स कार्यालय में घुस करके उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को काटन से छिपा दिया गया। अपराधी ने कारोबारी का अपहरण कर लेने की बात कह उन्हीं के मोबाइल से उनकी पत्नी को फोन करके 3 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इस सूचना को पाकर के मौके पर पहुंची चौक थाने की पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या का जो कारण है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है या फिर स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर किस कारण से इस व्यवसायी की हत्या की गई है। कारोबारी की पत्नी अनिता देवी ने बताया कि दोपहर लगभग 2:30 बजे पति राजीव जायसवाल उर्फ राजू के मोबाइल से किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके कहा कि तुम्हारे पति का अपहरण कर लिया गया है, पति की सलामती चाहते हो तो 3 लाख रुपए लेकर के आ जाओ। ये बात सुनकर के पत्नी घबरा कर बोली कि मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। कॉल करने वाले ने धमकी देते हुए कहा कि 3 लाख नहीं मिला तो अंजाम जो है वो काफी बुरा होगा। इसके बाद घबराई पत्नी ने रुपए के इंतजाम की बात कही। पत्नी ने चौक थाना पुलिस को पति का अपहरण करने और 3 लाख फिरौती मांगे जाने की सूचना भी दे डाली। कारोबारी के घर पहुंची चौक पुलिस के सामने भी पति के मोबाइल से 3 लाख रुपए मांगने का फोन पत्नी को आया। पत्नी की माने तो वो पति की सलामती के लिए 3 लाख रुपए देने का इंतजाम कर चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी व्यवसायी की हत्या कर दी गई। आसपास के लोगों ने सूचना दी कि शीशा कारोबारी राजीव जायसवाल उर्फ राजू के कार्यालय का बाहरी गेट जो है वो बंद है। जानकारी होने पर पहुंचने पर लोगों ने देखा कि बगल वाले कमरे में कोने पर प्लास्टिक और कांटे से शीशा कारोबारी का शव जो है वो ढका पड़ा था। व्यवसायी के मुंह पर गहरा जख्म दिखा। शव से कुछ दूरी पर ईंट पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हत्यारों ने कारोबारी को घसीट करके कमरे में ला करके हत्या की है, व्यवसायी की गोली मार करके हत्या की गई है या फिर शीशा अथवा तेज हथियार से, ये सब कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। घटनास्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष गौरीशंकर गुप्ता ने बताया कि व्यवसायी को गोली मारने का साक्ष्य नहीं मिला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।